गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये आज हम शुरू करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई बार बेसिक क्वेश्चन अराइज होते हैं। और जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, साइंस ग्रेजुएट बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जनरली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक के हमने लिमिट्स पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी। अब कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन में कुछ रिलेशन है क्या, तो उसको एक थ्योरम के थ्रू देखते हैं। थ्योरम इट सेज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। Every differentiable function is continuous. तो इसको प्रूव करेंगे। एक differentiable function suppose करते हैं। अब differentiable है मतलब कहाँ, तो कोई एक point पर suppose करना पड़ेगा क्योंकि continuity की बात करनी है, तो continuity के लिए भी एक point की जरूरत है। तो we suppose a differentiable function, let f of x be a differentiable function x equal to a। अब जैसे डिफरेंशियबल फंक्शन कहा तो क्या होगा इसका मतलब, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स f dash a इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच टेंस टू जीरो। इसको रिलेशन को दे देते नंबर वन। फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा बाय डेफिनेशन। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। वी वांट टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to a, that is, ऐसा प्रूव करना मतलब क्या, that is to prove limit of f of x when x tends to a is equal to f of a, ये प्रूव करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात करें फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट एग्जिस्ट होगी, लिमिट और वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये प्रूव करने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। टेक ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, ऐसा सपोज कर लेते हैं। Take x is equal to a plus h. तो इस मतलब क्या कर रहे हैं, हम x को कन्वर्ट कर रहे हैं h में, तो then x tends to a means, अब x tends to a बन रहा है तो x का मतलब हो गया a plus h, तो this imply x की जगह a plus h tends to a, एक उधर शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर एच टेंस टू जीरो। यानी जैसे हमने एक्स को ए प्लस एच सपोज किया तो जो हमारी लिमिट थी एक्स टेंस टू ए वो किस में कन्वर्ट होगी, एच टेंस टू जीरो में। कैसे कन्वर्ट होगी, एक्स की जगह ए प्लस एच रखा, अब ए प्लस एच ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एच जीरो की तरफ पहुंच रहा होगा, h tends to 0 ऐसा समझ लो, या फिर a को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अब इस केस में क्या प्रूव करेंगे, यदि हार दिया then we prove that x की जगह यदि रख दिया तो क्या प्रूव करेंगे, लिमिट f of a plus h
एक्स टेंस टू, ये क्या कन्वर्ट हो गया, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको प्रूव करना, अब कन्वर्ट हो गया लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए में। अब ये प्रूव करना है, ऑलरेडी हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो इस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए यहां है अवेलेबल है एफ ऑफ ए प्लस एच अवेलेबल है। ये डिनोमिनेटर का जो एच है, ये डिनोमिनेटर के एच को यहां से रिमूव करना होगा, तब तो हम इसमें काम कर सकेंगे न्यूमरेटर में। तो रिमूव करना होगा मतलब ऐसे तो रिमूव नहीं होगा, इसको एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किया जा सकता है क्या, वो एच से मल्टीप्लाई, एच टेंस टू जीरो है इसका मतलब एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वी कैन मल्टीप्लाई, तो इसको ये रिलेशन को एच से मल्टीप्लाई कर देते। एज एच टेंस टू जीरो देयरफॉर एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऊपर लिख लेते इसको, एज एच टेंस टू जीरो देयरफॉर एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन और रिलेशन वन कहो, रिलेशन वन by h and rewriting it as, ये पार्ट हम पहले लिख ले रहे, इसको उधर कर देते हैं। तो h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h इज इक्वल टू एच एफ डैश ए। लिखा जा सकता है ऐसा। एक काम और करना होगा यहां पर, एक काम और करना होगा, पहले इसको रिराइट करना होगा बाद में मल्टीप्लाई करके। Rewriting equation 1 as, एक मिनट, Rewriting equation 1 as limit f of a plus h minus f of a upon h, h tends to 0, ये तो ऐसा लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये लिख लिया। राइट हैंड साइड में जो f dash a है, this f dash a can be written as limit of f dash a when h tends to 0. अब यहाँ h तो है नहीं, यानी constant है, तो constant का limit h tends to 0 लेने के बाद में result यही होगा, f dash a ही होगा। तो ये काम पहले करना होगा, ठीक है, इसको rewrite किया इस pattern में। अब इस पर हमको काम करना है, तो इस पर काम करने के लिए ये h यहां से रिमूव होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, हम h से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो as h tends to 0 therefore h इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लाइंग अबव रिलेशन बाय h दोनों तरफ, तो दिस बिकम लिमिट h टेंस टू जीरो h f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h लिमिट h इंटू f डैश a h टेंस टू जीरो, दोनों तरफ h मल्टीप्लाई कर दी। अब h मल्टीप्लाई करने से ये h और ये h तो डिवाइड हो गया बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिवाइड भी हो सकता है। दिस gives limit h tends to 0, h divide हो गया, f of a plus h minus f of a, और limit h tends to 0 की वजह से, अब इसका जब limit लिया जाएगा तो h tends to 0 की वजह से ये हो गया 0, h tends to 0,
लिमिट लिमिट का रिजल्ट, लिमिट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ लिमिट, लगा दो इसको, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए, एच टेंस टू जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ एच है नहीं तो कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट का लिमिट सेम एज इट इज, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए, ये टर्म अलग है, इसका लिमिट एफ ऑफ ए आया। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो तो दिस इज लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऐसे ही हम चाह रहे थे, ऐसे ही हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन लिया था डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, तो इन जनरल हैंस इन जनरल कंक्लूड कर सकते एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वो लिख देते लास्ट सेंटेंस, हैंस इन जनरल every differentiable function is continuous. This completes the, this follows the theorem. Or this completes the proof. अभी हमने थ्योरम का प्रूफ पढ़ा, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट्स कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशियबल होगा, जरूरी नहीं। अब देखो कोई रिजल्ट ट्रू होने के लिए, यूनिवर्सली ट्रू होने के लिए हर सिचुएशन में उसका ट्रू होना जरूरी है, तब जाकर कोई हमको यूनिवर्सल स्टेटमेंट मिलता है। ध्यान से सुनना हम जो बात कह रहे हैं, कोई रिजल्ट तैयार होने के लिए, कोई थ्योरम का स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए वो हर कंडीशन में हर एग्जांपल के लिए ट्रू होना जरूरी है, लेकिन ट्रू नहीं हो रहा है इसका मतलब हो सकता है काफी केसेस में ट्रू हो लेकिन एक केस में भी यदि वो फॉल्स होता है तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बन पाता, ठीक है। तो ट्रू होने के लिए एवरी सिचुएशन में ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स होने के लिए या स्टेटमेंट नहीं बन पाने के लिए एक काउंटर एग्जांपल भी यदि हम कह दें कि इस सिचुएशन में ये फॉलो नहीं हो रही चीज, तो उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन फॉर योर स्टेटमेंट। तो जब कहा कि द कॉन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमको अपने तरफ से एक एग्जांपल देना होगा, और ये जो एग्जांपल होते हैं ये कहलाते हैं काउंटर एग्जांपल, मतलब वो हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो लेट अस टेक काउंटर एग्जांपल, दैट इज, पहले लिखकर बता दो, दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी a differentiable function. तो एक काउंटर एग्जाम्पल लेते, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक करनी होगी और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी होगी, तो इसकी कंटिन्यूटी तो चेक की होगी, याद आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की कंटिन्यूटी चेक की होगी, याद आ रहा है क्या?
चलो कर लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो देखो पहले तो टू चेक कंटिन्यूटी ऐसा टाइटल दे देते हैं, टू चेक कंटिन्यूटी टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी टू चेक कंटिन्यूटी। नंबर वन एफ ऑफ जीरो नेचुरली जहां ब्रेक हो रहा है फंक्शन वो पॉइंट पर बात करेंगे, तो जीरो पर ब्रेक हो रहा है एफ ऑफ जीरो, कहां है जीरो, यहां व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एक्स, तो एफ ऑफ जीरो हो गया जीरो। सेकेंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन बता रहा है तो एक्स लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स, इसका लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ माइनस एक्स एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम सेकेंड सेगमेंट एंड दिस इज लिमिट ऑफ माइनस जीरो माइनस जीरो, माइनस जीरो का मतलब जीरो। थर्ड राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन, ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन एक्स है, ले लो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सब इक्वल है, दस लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इंप्लाय इंप्लाय एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो कंफर्म हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की। अब जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहां पर, एट जीरो, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पर एक्चुअली हमको लिमिट फाइंड करना होगा उस एक्सप्रेशन की, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच व्हेन एच टेंस टू जीरो। तो अब यहां जीरो के राइट में फंक्शन कुछ है लेफ्ट में फंक्शन कुछ है, इसका मतलब सीधे सीधे लिमिट नहीं मिल पाएंगे हमको, हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना पड़ेगा, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगी और इक्वल मिलेगी तब जाके फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो चेक डिफरेंस टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच एच टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट व्हेन एच टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड। सिंबॉलिक नोटेशन में एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस, ये चेक करना है, एक एक करके बात करते हैं। नंबर एफ डैश जीरो माइनस means what, limit of ये h tends to 0 minus f of h minus f of 0 upon h, simplify करके लिख लिया f of 0 plus h मतलब f of 0। अब h tends to 0 from left side है तो function लेना पड़ेगा जो 0 से less के लिए defined होता हो, देखो 0 से less के लिए function क्या हो रहा है minus x, use करो, तो this is equal to लिमिट ऑफ माइनस, अब एफ ऑफ एच है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है तो एफ ऑफ एच होगा माइनस एच, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन इज एक्स, तो जब जीरो रहेगा तो फंक्शन इज जीरो अपॉन एच एच टेंस टू, लिमिट माइनस एच माइनस जीरो अपॉन एच व्हेन एच टेंस टू जीरो, डायरेक्शन यूज हो गया, डायरेक्शन देखकर ही हमने फंक्शन लिया, तो ये h h डिवाइड हो जाएगा बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रह गया माइनस वन, तो लिमिट ऑफ माइनस वन
व्हेन h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लें, एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, तो लिखते समय एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड। ये डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन एच ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर रहा है, यानी h ग्रेटर देन 0 के लिए वही फंक्शन काम करेगा। ले लो वहां से फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट इज f ऑफ x इज x, यानी f ऑफ h के लिए h लिखा जाएगा, माइनस f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x इज x, यानी f ऑफ 0 इज 0 अपॉन h, दैट इज लिमिट ऑफ 1 h टेंड्स टू 0, तो डिवाइड हो सकता है एज h इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रीजन है लिमिट ऑफ 1 इज 1। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, दस डेरिवेटिव एट 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव एट 0 प्लस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये जो स्टेटमेंट था, द कॉन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस था बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, एंड दिस जस्टिफाई द स्टेटमेंट, दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट continuous function need not be a differentiable function, that a continuous function need not be a differentiable function, इस पर बेस्ड सॉल्व एग्जाम्पल पढ़िएगा और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसी पैटर्न पे चलेंगे, कंटिन्यूटी का टेस्टिंग और फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।